स्वागत है आपका एक बार फिर से मशीनों की दुनिया में। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे खेती में इस्तेमाल होने वाली कुछ बेमिसाल मशीनें, जिनका काम तो अनोखा है ही, इनका काम करने का तरीका भी बेहद स्मार्ट है। लेट्स बिगिन। नंबर 5, बॉबकैट। मिट्टी, जिससे इंसान हर तरीके से जुड़ा हुआ है, लेकिन इंसान सबसे ज़्यादा गंदा भी मिट्टी को ही करता है। समुद्र के आसपास और बीचेस पर दुनिया भर से घूमने के लिए आने वाले लोग कचरा, प्लास्टिक और कांच की बोतलें आदि छोड़कर चले जाते हैं, जिससे वहां पर गंदगी फैल जाती है। इसकी सफाई करने के लिए बनाई गई है यह मशीन, जिसमें एक हाइड्रोलिक ग्रिक लगी हुई है जो मिट्टी को छानकर उसके अंदर मिले हुए हर पार्टिकल्स को अलग कर देती है। इस मशीन को जमीन की सतह पर चलाकर एक निश्चित गहराई तक खुदाई की जाती है, जिससे ये मिट्टी को अपने हाइड्रोलिक गेंद में लेकर उसे छानकर मिट्टी वहीं पर छोड़ती हुई चलती है। ऊंची नीची जमीन पर भी ये हाइड्रोलिक क्लिप के जरिए एडजस्ट हो जाती है। इसके बकेट में 350 लीटर कचरा आ सकता है, जिसे आराम से हटाकर कहीं भी फेंक सकते हैं। बाद में मिट्टी को समतल करने के लिए इसके पीछे ब्लैक ब्लेड भी लगाए गए हैं, जो मिट्टी को बेहतर फिनिशिंग भी देते हैं। नंबर 4, फैंड आइडियल 90। फसल को उगाकर सबसे मेहनत वाला काम होता है उसे हार्वेस्ट करने का, जिनसे बहुत सारी लेबर की ज़रूरत तो पड़ती ही है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ये सब आसान बना दिया है इस मशीन ने। इससे समय की बचत भी होती है और एक बड़े खेत की फसल काटने में सिर्फ कुछ ही घंटों का समय लगता है। एक बड़े ट्रक के जैसी दिखने वाली इस मशीन के आगे बड़ा सा कटिंग व्हील लगा है, जो कि घूमते हुए इसके तेज ब्लेड की मदद से फसल को आसानी से काट लेता है, और इसके बाद फसल से अनाज को अलग करने के लिए किसी दूसरे प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती। फसल मशीन के अंदर जाने के बाद वेस्ट मटेरियल और अनाज अलग अलग हो जाते हैं। अनाज अलग होने के बाद ये मशीन एक पाइप के जरिए साथ में चलती हुई ट्रॉली में बढ़ती चलती है। नंबर 3, कैंपर हार्वेस्टर। कुछ फसलें खेतों में काफ़ी ऊंची उगाई जाती हैं, जिनकी कटाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बड़े ट्रैक्टर के आगे इंस्टॉल की गई इस मशीन में आगे की तरफ लगे हैं 20 नुकीले कटिंग व्हील, जो एक फिक्स ऊंचाई पर चलते हुए अपनी तेज धार से फसल को अच्छे से पकड़कर काटते हुए चलते हैं। फसल को काटने के बाद ये मशीन उसे अपने अंदर ही खींच लेती है, जिसके बाद ये मशीन फसल को हार्वेस्ट करके चारे के रूप में एक पाइप द्वारा पीछे लगी ट्रॉली में भरती जाती है। ये मशीन बहुत ही एक्यूरेसी के साथ अपना काम करती है। फसल काटते समय ये एक बड़े एरिया को कवर करती है, इतना कि जितने में 9 कारें खड़ी हो जाए। एक्वाटिक वीड हार्वेस्टर। हमारे देश में कई सारी खूबसूरत नदियां हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी समस्या है गंदगी, जिसमें कुछ तो लोग करते हैं कचरा और प्लास्टिक फैलाकर और कुछ प्रकृति के द्वारा जलकुंभी के रूप में, जिससे पानी तो दूषित होता ही है और ये पानी के प्रवाह को भी रोक देते हैं। लेकिन इस समस्या का हल निकाला है इस मशीन ने, जिसकी मदद से नदियों और तालाबों को साफ किया जा सकता है। ये पानी के अंदर जाकर आराम से जलकुंभी और कचरे को निकाल लेती हैं। इसे पानी के अंदर चलाना भी बहुत आसान है। मशीन के बकेट को कचरे से भर जाने के बाद उसे बाहर फेंक दिया जाता है। दोस्तों, कैसा रहेगा अगर हमारे देश की सभी नदियां ये मशीन साफ कर दें? नंबर 1, फैन ट्विस्टर। जिस तरह पक्षी पंख खोलते हैं, उसी तरह ये मशीन पंखों को फैलाकर एक बड़ा एरिया कवर कर लेती है। हाइट में बहुत छोटी फसलों को काटने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में खास घूमने वाले तेज ब्लेड लगे हुए हैं। इसे स्मूथ चलाने के लिए इसके नीचे छोटे पहिए भी लगाए गए हैं। एक बड़े ट्रैक्टर से ऑपरेट होने वाली ये मशीन फसल को काटकर उसी जगह छोड़ देती है, और इसके आर्म्स भी फोल्डेबल हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।